हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने 15 दिनों में 9 नागरिकों की हत्या कर दी है। कल भी 2 गैर कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया। बिहार और यूपी के 2 लोग थे जिन पर आतंकवादी हमला हुआ और घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि बिहार के रेहड़ी वाले और यूपी के एक कारपेंटर की हत्या कर दी गई और ये सब कुछ इसलिए ताकि कश्मीर में आतंक जो है वो फैला सके। सेलेक्टिव किलिंग इसे आप कह सकते हैं, जहां पर ढूंढ ढूंढ कर गैर मजहबी लोगों को मारा जा रहा है। उधर घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे आतंकवादी हमले को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 370 हटाने से जो डर कश्मीर से हट गया था वो उसे वापस लाने और पंडितों को पुनर्वास रोकने के लिए आतंकवादी ऐसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ और कहा मोहन भागवत ने, हम आपको सुनवाते हैं। एक प्रवाह तो मीडिया में आते ही रहता है आतंकवादियों का, अभी भी वो लक्षित हिंसा वगैरह कर रहे, वो जो डर भागा है तो उनकी जैसी सारी नाड़ियां ही बंद हो गई, तो उसको वापस लाने के प्रयास में और जो जो सहयोग करते हैं विकास के प्रयासों में, जो जो समर्थन करते हैं भारत के साथ रहने का, उनमें से जो आगे है फिर से विस्थापित पंडितों का पुनर्वसन न हो, इसलिए जो जो पंडित है उनके लक्षित हिंसाएं चल रही। लेकिन वहां यह भी बात है 370 हटा तो अगर उसके पहले 15 दिन अगर आप कहते देश में कि 370 हट सकता है तो 370 हटाने के समर्थक लोग भी कहते हैं कि कठिन बात है, नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो गया। अभी की जो केंद्र की सरकार है उसने कर दिया तो कुछ भी हो सकता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है कुछ भी यानी संविधान के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते, संसद में कानून पास करके लाया गया है। लेकिन ये सारी बातें हो सकती है, ये वहां पता चलने के कारण जनता में भी अब लड़ने का मानना है कि हम नहीं करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।